सागर सूर्य और चंद्रमा की तरह चंचल चमकती और मदहोश कर देने वाली मतवाली प्रेम कहानी है चंद्रकांता, एक इंतकामी दहकती प्रेम कहानी है चंद्रकांता, सुलग हैरत अंगेज प्रेम कहानी है ये चंद्रकांता। और पंडित जगन्नाथ के लिए मौत की सजा से बद्रीनाथ को मुक्त करने के मकसद की तीव्र रफ्तार को भी रोकना था नामुमकिन, लेकिन इधर तब तक सजा की मंजूज घड़ी ने महाराज के हुक्म को कारगर करने के लिए डूबते सूरज से मौत की कार्रवाई के लिए अंतिम इजाजत। तभी वहां मौके से पहुंच गए पंडित जगन्नाथ। पंडित महाराज, थोड़ी देर में आपसे अकेले में बात करना चाहता हूं। इस दरखास्त को महाराज ने दी शाही मंजूरी और तब पंडित जगन्नाथ महाराज के जहन से बद्रीनाथ के खिलाफ हर गलत फहमी के कोहरे को दूर करने में होते हैं कामयाब। महाराज, अगर आपको मंजूर हो तो क्रूर सिंह की किस्मत मेरे सुपुर्द की जाए ताकि मैं उसको रंगे हाथों पकड़ सकूं। और फिर इस शाही फैसले में शामिल किया गया ये हुक्म सेनापति के अहदे से क्रूर सिंह किया जाता है बर्खास्त। यही उचित है कि चुनारगढ़ की सेना की कमान बद्री के हाथ में, तुम सुमेधा को जीतकर उस सुमेधा के जाबाज को जिंदा हमारे सामने हाजिर करो। जाबाज भी मुकाबले के लिए देता है ऐलान, वो चुनारगढ़ की फौजी ताकत का देता है मुंह तोड़ जवाब। और फिर क्रूर सिंह की गिरफ्तारी हासिल करके इस शैतानी खतरे को सुमेधा की आवाम के करता है हवाले। उधर चुनारगढ़ में महारानी कलावती एक नए मौजूद खतरे से बेखबर तिलिस्मी गणित की मदद से बढ़ती है अपने कक्ष की ओर, लेकिन खतरा सामने ही मौजूद है। नकाबपोश जब उसी तिलिस्मी गणित का इस्तेमाल करके कत्ल करने की नीयत से महारानी का करती है पीछा, लेकिन एक गलत गणित से शुरू होता है विस्फोटों का सिलसिला। तारा, अब तो मेरे यहाँ नहीं हो सकती, सबूत मिल गया। पंडित जी, आप यहाँ? असुरक्षित नकाबपोश मौके से तभी हो गई फरार। पंडित जगन्नाथ की गिरफ्त से बचकर नकाबपोश तारा के कक्ष में होती है दाखिल, और फिर तारा को अपने और उसके मकसद का समझाती है ये फासला। तुम महाराज को किसी भी कीमत पर पाना चाहती हूँ और मैं तुम्हें बर्बाद करके खत्म कर देना चाहती हूँ। और फिर तारा से एक सौदे की करती है ख्वाहिश। और फिर महारानी को मारने में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ ताकि तुम चुनारगढ़ की महारानी बन सको, लेकिन क्या तुम मेरे साथ एक सौदा करोगी? सौदा? कैसा सौदा? मुझे अपने निशाने की कामयाबी तक पहुंचने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत हो सकती है, क्या तुम्हें यह सौदा मंजूर है? किसी भी तरह के सौदे के लिए कोई वादा करने से पहले मेरे लिए जरूरी है कि मैं तुम्हारी शख्सियत और तुम्हारे वजूद को जान लूं, पहचान लूं। नकाबपोश, आखिर कौन हो तुम? कृपया? हाँ, मैं शिवदत्त की मौत का पैगाम हूँ। तुम महाराज की मौत का पैगाम तो हो, लेकिन सभ्या, ताज्जुब है तुम्हारी आंखों का ये रंग। मैं अपने मकसद को हासिल करने के दौरान कोई खतरा नहीं उठाना चाहती थी। इस नकाब ने मेरी शक्ल तो बदल दी, लेकिन मैं आंखों से पहचानी जाती, इसलिए इनका रंग बदलना बहुत ही जरूरी था। अब तो मेरे वजूद और शख्सियत को अच्छी तरह से पहचान लिया है तुमने। अब बताओ, जिस सौदे की मैं बात कर रही थी वो तुम्हें मंजूर है या नहीं? मंजूरी और नामंजूरी की बात ही तय हो जाएगी सभी, लेकिन मेरे दिल में बहुत सारे सवाल आते हैं। तुम महाराज को बर्बाद करना और मारना चाहते हो? इसमें महाराज की तरह सभ्या को कोई शक नहीं। तो तुम अपनी बहन रामिया की मौत का बदला ले रही हो महाराज से? इसमें भी सभ्या को कोई शक नहीं। पर मैं तो समझती थी महारानी की इतनी विश्वासपात्र और गरीबी होने के कारण अब तक तुमने महाराज को माफ कर दिया हो। मेरी बहन रामिया की दर्दनाक मौत जिन हालात में और जिस तरह से हुई थी उसे तो कभी माफ नहीं किया जा सकता। उसी दिन से मेरे सीने में बदले की आग धधक रही है।
बदले के मकसद से मैंने महारानी का विश्वास जीता और महाराज का भी, ताकि वो दोनों कभी मुझ पर शक या संदेह न कर सके। संदेह की गुंजाइश समाप्त होने के बाद से मैं लगातार मौके की तलाश में हूँ। पर तुम तो छाया की तरह दिन रात महारानी के साथ रहती हो, तुम्हें मौके की क्या दिक्कत? मैं नहीं चाहती कि महाराज की मौत का शक महारानी कभी भी मुझ पर करें, और ये मौका तुमने मुझे दिया। इस मौके की बात तुम कर रही हो? महारानी को मारने की तुम्हारी साजिशों और कोशिशों से फायदा उठाने का मौका। ये एक आरोप है जो पूरी तरह बेबुनियाद है। महारानी के साथ दुर्घटनाओं का सिलसिला जो अभी तक बरकरार है, क्या तुम उस जिम्मेदारी से इनकार कर सकती हो? नहीं, नहीं कर सकती तुम। और फिर इसके अलावा तुमने मेरे लिए एक दूसरा मौका भी मुहैया कर रखा है। मतलब ये कि पंडित जगन्नाथ को तुम पर शक है, इससे भी मुझे फायदा हुआ है। फायदा? कैसा फायदा? पंडित जगन्नाथ इतने शातिर होने के बावजूद मेरी मौजूदगी को और मुझे तुम्हारे हथियार के रूप में ही समझते रहे, और उनका शक तुम पर कायम रहेगा। चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी, नौगढ़ विजयगढ़ में थी तपरा नौगढ़ कथा जो राजकुमार, चंद्रकांता से करता था प्यार, चंद्रकांता से करता था प्यार। महाराजा शिवदत्त को तो पंडित जगन्नाथ को तुम पर शक है ही, इससे भी मुझे फायदा हुआ है। फायदा? कैसा फायदा? पंडित जगन्नाथ इतने शातिर होने के बावजूद मेरी मौजूदगी को और मुझे तुम्हारे हथियार के रूप में ही समझते रहे, और उनका शक तुम पर कायम रहेगा। तुम महारानी कलावती को मार देना चाहती हो, लेकिन मैं उन्हें मारना नहीं, सिर्फ उनका अपहरण करना चाहती हूँ, ताकि महाराज शिवदत्त मेरे मोहताज हो जाए, मेरी गिरफ्त में आ जाए, और मेरी बहन राम्या की मौत पर जो सौगंध मैंने उठाई थी, महाराज शिवदत्त को मार के मैं वो सौगंध पूरी कर सकूं। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम सिर्फ महाराज की मौत का सौदा करना चाहती हो मुझसे। लेकिन उसके बदले में मैं तुम्हें महारानी को खत्म करने का हक देती हूँ, ताकि महारानी कलावती को खत्म करके तुम चुनारगढ़ की महारानी बन सको, और साथ ही चुनारगढ़ के बेशुमार खजाने की हकदार भी। जरा अपनी योजना के बारे में विस्तार से बताओ, ताकि बाद में सौदेबाजी में कोई भ्रम की गुंजाइश ना रहे। तीन बातें हैं। जैसे? एक तो पंडित जगन्नाथ को अब ये मालूम हो गया है कि नकाबपोष औरत एक नहीं दो हैं, उनमें से एक तुम हो, इस पर उस पंडित को कोई शक नहीं है, और इसका भी फायदा उठाया जा सकता है। कैसे? खुलासा करो। यही कि जब तुम महाराज शिवदत्त या पंडित जगन्नाथ के पास रहोगी, तभी मैं महारानी कलावती का अपहरण करूंगी, ताकि किसी को तुम पर शक न हो। दूसरी ये कि अपहरण की हुई महारानी कलावती को मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगी, ताकि तुम उन्हें खत्म करके चुनारगढ़ की महारानी बन सको, और सिर्फ तब तक तुम महाराज शिवदत्त को जिंदा रख सकती हो। और तीसरी ये कि चुनारगढ़ की महारानी बनने के बाद तुम महाराज शिवदत्त को मेरे हवाले कर दोगी, ताकि उन्हें खत्म करके मैं अपना बदला ले सकूं। सौदा मंजूर है तुम्हें? मंजूर है। अपने आप को बड़ी मौत की सौदागरनी समझती है। कलावती के मरते ही
जब मैं चुनारगढ़ की महारानी का ताज पहनूंगी तो उसके बाद महाराजा शिवदत्त की नहीं बल्कि सभ्या की मौत होगी। महाराजा शिवदत्त को तो आरा कभी नहीं मरने देगी। पंडित जगन्नाथ, तुम्हें तो मैं इन साजिशों की हवा भी नहीं लगने दूंगी कि ये चुनारगढ़ और ये महल क्या क्या संगीन बाजार से देखने वाला है। ये महल तो संगीन से संगीन तर वारदातों का केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। रहस्य पर रहस्य की पत्ती चढ़ती जा रही है। आखिर वो नकाबपोश औरत है कौन? हो सकता है कि ये औरत तारा की कोई ताजा तरीन चाल हो। तारा पर तुम्हारा शक बरकरार रहे, इसी में मेरे मकसद की कामयाबी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नकाबपोश औरत तारा की दरकश का तीर न होकर क्रूर सिंह की बिसात का कोई नया मोहरा हो। पंडित जगन्नाथ, अब तुम्हारे शक का निशाना मैं नहीं वो होगी जो तुम्हारी सबसे अधिक विश्वास पात्र और भरोसेमंद है, सभ्या। इन सारे रहस्यों पर से पर्दा उठाने के लिए सभ्या से मिलना चाहिए। पंडित जगन्नाथ, सभ्या को लेकर जिस दिन तुम्हारा भ्रम टूटेगा वो दिन तुम्हारे लिए घातक पीड़ा का होगा और तारा के लिए बेहद खुशी का। सभ्या, सभ्या, लगता है सभ्या अपने भीतरी कक्ष में है, लेकिन आवाज तो पहुंचती होगी, फिर उत्तर क्यों नहीं आ रहा? सभ्या, सभ्या, अभी आई। तुम सभ्या? अभी आई पंडित जी। पंडित जी, आपकी उत्तेजना से लग रहा है जैसे कोई गैरमामूली वाक्य घटित हो गया है। ये तुम्हारी आंख में क्या हो गया सभ्या? कुछ नहीं, वो जरा सी तकलीफ है। क्या तुम्हें इसीलिए आने में देर हो गई? जी, बात क्या है पंडित जी? सभ्या, बात यह है कि मुझे अभी और इसी वक्त ये जानना जरूरी है कि वो नकाबपोश औरत कौन थी। इसमें माथापच्ची करने की कोई जरूरत नहीं पंडित जी, ये भी तारा का कोई मोहरा ही होगी। आखिर महारानी को मार डालने के लिए तारा ने बिराता जैसी औरत का इस्तेमाल किया था, ये नकाबपोश की तारा का कोई दूसरा हथियार ही होगा। सभ्या, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नकाबपोश औरत किसी और ही मकसद से यहां पर आई हो? वो तारा का मोहरा ना हो बल्कि उसका अपना अलग से कोई और ही वजूद हो? तुम्हारा क्या ख्याल है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। महारानी का कोई दुश्मन नहीं है। अगर कोई एक दुश्मन है तो वो है तारा। फिर भी सभ्या, नजर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पंडित जगन्नाथ को शक होता है तो वो बेबुनियाद नहीं होता। सभ्या,
तुम्हारी आंख को उपचार की जरूरत है और तुम्हारी आवाज भी कुछ पति पति है। ध्यान रखो। अगर हम महारानी का कोई दुश्मन नहीं है, अगर कोई एक दुश्मन है तो वो है तारा। फिर भी सभ्य नजर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पंडित जगन्नाथ को शक होता है तो वो बेबुनियाद नहीं होता। सभ्य, तुम्हारी आंख को उपचार की जरूरत है और तुम्हारी आवाज भी कुछ पति पति है। क्रूर सिंह को जाबाज सिंह ग्रिप से ना छुड़ा पाए तो ये मेरी तलवार की तौहीन होगी। विजय बहादुर, तो क्या आपके हिसाब से जाबाज ने क्रूर सिंह को अब तक कोई सजा नहीं दी होगी? यकीनन दी होगी। सुमेधा की औरतों की बेइज्जती के बदले में जाबाज ने अब तक क्रूर सिंह का सर कलम कर दिया होगा। और क्रूर सिंह अब तक जिंदा नहीं होगा, इसलिए चुनारगढ़ की फौजी शान और महाराजा के रुतबे की रक्षा के लिए क्रूर सिंह को हासिल करने का जो कदम आप उठाना चाहते हैं बेकार होगा। ऐसा नहीं हो सकता है विजय बहादुर। मुझे पूरा यकीन है कि जाबाज ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि जाबाज जैसा फौलादी शख्स किसी भी गिरफ्तार किए गए इंसान के साथ ऐसा सुलूक नहीं करेगा। अगर उसे क्रूर सिंह को मारना होता तो वो उसको यहां खेमे के अंदर मारता, उसको अपनी हिरासत में लेकर नहीं जाता। मैं जानता हूं उसने क्रूर सिंह को अपनी जीत की निशानी के तौर पर सुमेधा में नुमाइश बना के रखा होगा, और ये नुमाइश चुनारगढ़ की शान पर बेइज्जती का बदनुमा धब्बा बन जाए उससे पहले हमें जाबाज सिंह गिरफ्त से क्रूर सिंह को छुड़ाना होगा। चलो चलो, मुझे आगे बांधा हुआ क्यों क्रूर सिंह, तू इतना क्रूर क्यों है? बोलो ना क्रूर सिंह, तुम इतने क्रूर क्यों हो? तू तो जानवरों की तरह काटने को आता है। बड़ा बेरहमी बनता था ये क्रूर सिंह, इसे तो और भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मौसी, ये शैतान है, शैतान। शैतान नहीं, दरिंदा है, दरिंदा। ए भाई, ये लोग क्या कह रहे हैं? सरकार, ये लोग आपकी बहादुरी और शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। अच्छा, तुम दोनों कौन हो? मुझे भूख लगी है, मैं भूखा हूँ। ये क्या बदतमीजी है? मैं तुम्हें माई नजर आ रही हूँ। माई, पहले खाऊंगा फिर नहाऊंगा। ये बार बार बच्चे क्यों बन जाते हैं? माई, पहले नहाऊंगा फिर खाऊंगा, क्या हो गया हमको? लगता है जाबाज ने इनकी जोर तार पे जाई की है, इसीलिए इनकी यादें जख्मी हो गई है। ये बार बार बच्चा बनते हैं और फिर अपनी आदर्श में वापस लौट आते हैं। पहले खाएगा, खाएगा नहीं। झूठने दो तुम लोग मुझे, मैं एक एक को देख लूंगा। मैं क्रूर सिंह हूँ, चुनारगढ़ का सेनापति क्रूर सिंह। दुश्मन को सबक सिखाने के लिए जरूरी है।